नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे थे आपके अवार्ड्स एंड ऑनर की सीरीज की, जो आपकी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं किसके विषय में, हम लोग बात कर रहे थे आपके अवार्ड्स ऑनर से जो रिलेटेड आपके अलग है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर के आऊँगा, किस पे, आपके स्पोर्ट्स के रिलेशन में। तो स्पोर्ट्स पे जो आपके रिलेशन में आएंगे, उस स्पोर्ट्स के रिलेशन को हम देखते हुए चलेंगे, यहाँ पर हम बात करते हुए चलेंगे। स्पोर्ट्स से जितने आपके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने आपके रिसेंटली अवार्ड्स घोषित किए गए हैं और जितने अवार्ड्स जिन लोगों ने पाया है, उन अवार्ड्स को भी हम देखते हुए चलेंगे, उन अवार्ड्स को भी एक एक बात देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है आपका खेल रत्न पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, काफी बार इस पे पता है आपको, इसका जो नाम था पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अभी रिसेंटली इसका हाल ही में क्या किया गया, इसको आपको बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ये अगर बात करा जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, किसमें, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको 1992 में, इसकी बात करूं इसकी स्थापना कहां कब हुई थी, 1992 में राजीव गांधी, आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, इसका खेल रत्न पुरस्कार से इसको जाना जाता था। अभी रिसेंटली क्या है, इस अवार्ड का नाम जो आपका क्या किया गया है, मेजर ध्यानचंद, आपके ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद जी को आप जानते ही हैं, काफी प्रतिष्ठित नाम है हॉकी के क्षेत्र में, तो आपको इनको पता है, इनको जानना चाहिए, आपको पता है। आगे चलेंगे, 30 नवंबर 2022 अभी रिसेंटली हुई है, ये 30 नवंबर 2022 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, इस बात में ध्यान रखेंगे। इसमें आपको व्यक्तियों की मैं बात करूं, इनमें आपके पाए जाने वाले व्यक्तियों में कौन कौन से व्यक्ति हैं आपको पता है, इसमें आपके टेबल टेनिस के शरत कमल आन अचंता, ध्यान रखेंगे शरत कमल अचंता को, ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। इनका फील्ड आप जान लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनका फील्ड जो आपको शरत कमल अचंता के आप फील्ड आप जान लेंगे, तो इनका फील्ड आपका टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्वर्ण का, इनके राष्ट्रमंडल खेल में, तो राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने क्या है ना कि राष्ट्रमंडल खेल में भी इनके अच्छे खासे पदक रहे हैं। इस बार 2022 जो आपका रिसेंटली राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसको भी देखेंगे, इन सारी चीजों में आप देखेंगे 3 स्वर्ण भी जीत चुके हैं और 1 रजत पदक आपके किस में जीते हुए हैं, राष्ट्रमंडल खेल में। तो इनको जरा ध्यान रखेंगे, इनका नाम है शरत कमल अचंता, और ध्यान रखेंगे ये टेबल टेनिस के रिलेशन में इनका बहुत ही, इनका जो क्षेत्र है वो टेबल टेनिस है। चलिए आगे चलते हैं, अर्जुन अवार्ड दिया गया है, अर्जुन अवार्ड उनको दिया जाता है जो आपके इनको खेल में ही एक उत्कृष्ट पुरस्कार है ये, तो उनमें से ये लिस्ट है आपका जिनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सीमा पुनिया है एथलेटिक्स के लिए, एल्डहाउस पॉल है एथलेटिक्स के लिए, और अविनाश मुकुंद साबले हैं आपके एथलेटिक्स के लिए आपका 3 पुरस्कार मिला हुआ है, आपको पता है। बैडमिंटन के लिए देखेंगे तो बैडमिंटन के लिए 1 और 2 पुरस्कार आपके मिले हुए हैं, किसके लिए, आपके लक्ष्य सेन को और HS प्रणय को। लक्ष्य सेन अभी हाल ही में जो डेविस कप हुआ उसमें अवार्ड भी जीते हुए हैं, तो इनके बारे में भी ध्यान देते हुए चलेंगे। अमित पंघाल की बात करेंगे और निखत जरीन, आपको निखत जरीन के बारे में भी पता है, इनका फील्ड क्या है, बॉक्सिंग है, और क्या है आपका, अमित पंघाल भी आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी और आपके रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो आपके हैं ये आपके चेस से रिलेटेड हैं। दीप ग्रेश इक्का हॉकी से, और सुशीला देवी आपके जूडो से, साक्षी कुमारी कबड्डी से, साक्षी मलिक अलग हैं, साक्षी कुमारी अलग है, इस बात का ध्यान रखेंगे, कबड्डी से रिलेटेड हैं। नैन मोनी शाक्या लॉन टेनिस से, और आपके सागर कैलाश ओवाल इसको देख लेंगे ये क्या है आपके मलखंब से, ठीक है। एलावेनी ये जो आपके है ना खिलाड़ी, इनको शूटिंग में मिला हुआ है, कौन है ये, एलावेनी वे नी व लाव रिवन, ये आपका क्या है आपके शूटिंग से रिलेटेड है। ओम प्रकाश मिथोवाल आपके शूटिंग से हैं, आपको पता है। सृजा अकुला टेबल टेनिस, ठीक है। विकास ठाकुर आपके वेट लिफ्टिंग से हैं, अंशु कुश्ती से हैं, सरिता भी कुश्ती से, कुश्ती से आपके यहां देख लेंगे 2 अवार्ड्स। प्रवीण आपके वुशु खिलाड़ी के हैं, इसके बारे में आपके मानसी गिरीश चंद जोशी आपके पैरा बैडमिंटन, आपके पैरा बैडमिंटन, पैरा बॉल स्विमिंग और डीफ बैडमिंटन से आपको इनको अवार्ड मिला हुआ है। ये लिस्ट है आपकी, बेसिकली आप देख लेंगे एक बार। द्रोणाचार्य पुरस्कार को जरूर याद रखेंगे कि कोच के रिलेशन, किसी भी खेल में उत्कृष्ट कोचिंग देने के लिए कोच को पुरस्कार, गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को जाना जाता है, तो जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो गुरु के रूप में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जिनमें आपके जीवन ज्योत सिंह
तेजा जो है आपके तीरंदाजी में है, और आपके मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और आपके सुमा सिद्धार्थ सिरूर आपके पैराशूटिंग, और आपके सुजीत मान कुश्ती से रिलेटेड है। इस नाम को याद रखना है, द्रोणाचार्य में कम से कम ये नाम तो चारों याद ही होने चाहिए। आपको लाइफ टाइम कैटेगरी में, ये सामान्य कैटेगरी में दिया गया, और लाइफ टाइम कैटेगरी में आपको दिया गया है क्रिकेट से दिनेश जवाहर लॉर्ड को दिया गया है, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से रिलेट है, और आपके राज सिंह को कुश्ती में दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी में। किसका अवार्ड दिया गया आपको? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इनमें देख लेंगे ये सारे कुछ, ये आपके सारे कुछ नाम हैं, इन नाम को भी आप देखते हुए चलेंगे। इनमें आपको खेलकूद और गेम से रिलेटेड आपके ध्यानचंद पुरस्कार हैं, इनमें सारी चीजों को आप देखते हुए चलेंगे। एक बार इस चीज को देख लेंगे आप, एक बार इस चीज को समझ लेंगे। ये बेसिकली आपको जितना आपको जानना है उतनी आपके द्रोणाचार्य से और शुरू के आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनमें आपको समझना है। चले आगे, अब मैं बात करूंगा फीफा विश्व कप, काफी इंपॉर्टेंट। फीफा विश्व कप के बारे में मैं बात करूं तो फीफा विश्व कप काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें आपको पता है कि ये चार वर्ष में हर बार आयोजित किया जाता है आपका, ये चार वर्ष में हर बार 2018 में किया गया था, 2022 में ये आयोजित किया गया था, 1930 में इसका पहला मैच हुआ था उरुग्वे में, और उरुग्वे ने इसको जीता भी था। अभी हाल ही में जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, इस फीफा वर्ल्ड कप में आपको पता है कि अर्जेंटीना ने जीता है, लियोनेल मेसी कौन भूल सकता है, ठीक ना। लियोनेल मेसी ये बहुत ही ज्यादा बुखार रहा है उस समय, बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड क्रेजीएस्ट गेम कहा जाता है इसे, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पागलपन वाला गेम है ये, आपका ध्यान रखेंगे। इसका जो आयोजन हुआ करता है कौन? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा करता है, जो विश्व कप 2022 को यहां पे आप देखेंगे कि फ्रांस को हरा करके, अर्जेंटीना और फ्रांस, फ्रांस में खिलाड़ी थे एम्बाप्पे, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। एम्बाप्पे ने बहुत ही अच्छा खेल खेला था, बहुत ही अच्छा बताया भी था उनको, बहुत ही अच्छे तरीके में खेला था। ये आपकी सूची है जिनमें आपको देखो एम्बाप्पे का नाम आ गया, आपको पता है गोल्डन बूट के रूप में एम्बाप्पे को मिला था, गोल्डन ग्लोब आपको जो आपके गोलकीपर होते हैं उनमें क्या होता है आपका, ये आपका एमिलियानो मार्टिनेज का था, गोल्डन बॉल आपका लियोनेल मेसी सबसे ज्यादा गोल करने वाले थे, युवा खिलाड़ी आपके एंजो फर्नांडीज थे, फीफा प्लेयर ऑफ प्ले अवार्ड किसको मिला था आपको, ये आपका फेयर प्ले अवार्ड मिला था आपको इंग्लैंड का। ध्यान रखेंगे ये कुछ टर्म्स हैं फीफा विश्व कप 2022 से रिलेटेड। इसका जो आधिकारिक प्रतीक था ना, मैस्कॉट, ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? ऑफिशियल मैस्कॉट इसका था लाइब, और लाइब का हिंदी में अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, ध्यान रखेंगे अरबी भाषा है ये, बेसिकली आपका अरबी भाषा में लाइब का अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, ध्यान रखेंगे। 2026 का जो 23वां फीफा, ये 22वां था आपका 2022 में हुआ था, और 23वां जो आपका होगा 2026 में, वो इसकी मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, कनाडा मैक्सिको और यूएसए की संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेगा। इसके बारे में भी ध्यान देना, ये भी आपको काफी बार पूछा जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 काफी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी पूछा जाता है आपका। कॉमनवेल्थ गेम्स है, बेसिकली ब्रिटिश आधिकारिक जो देश होते हैं ना, ब्रिटिश जिन पर अधिकार करके औपनिवेशिक देश जो हैं बेसिकली, उन पे जो देश होते हैं वो कॉमनवेल्थ आपके क्या कहे जाते हैं, आपके राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के तरह से कहे जाते हैं, और वो राष्ट्रमंडल देश खेलते हैं उनके बारे में आपको जानना है, ध्यान रखेंगे। इनमें पहली बार 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 28 जुलाई से ये 2022 में शुरू हुआ है। इसका आधिकारिक शुभंकर जो था वो क्या था आपका? पेरी द बुल था, और ध्यान रखना, और इसे एक 10 साल की लड़की ने डिजाइन किया था, पेरी द बुल ये इसका आधिकारिक शुभंकर था, और इसे डिजाइन किया था किसने? इसे डिजाइन एक 10 साल की लड़की ने किया था। राष्ट्रमंडल खेल की बात करूं मैं तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका कौन था? इंग्लैंड, और भारत का स्थान जो रहा था वो चौथा रहा था, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। भारत का स्थान चौथा रहा है, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड। चले आगे, इनके बारे में देखें तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बात करें ना, तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी इस बार 2026 का ऑस्ट्रेलिया, हर चार साल में ये भी होता है, तो चार साल में अगर ये भी होगा तो 2026 का आएगा, तो 2026 में कौन करेगा? 2026 में ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य करेगा, इस बारे में ध्यान रखेंगे। भारत इसमें कुल 22 गोल्ड के साथ कुल 61 मेडल जीते थे, भारत का टोटल मेडल क्या था आपका? 22, और उसमें क्या था आपका? 22 गोल्ड था, ठीक है, इसके बारे में आपने देख लिया। गोल्ड मेडल का ये लिस्ट है पूरी एक तरह से, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये लिस्ट है पूरा, तो लिस्ट के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। इस समय जो न्यूज की बात करूं मैं,
तो आप देखेंगे मीराबाई चानू को थोड़ा सा आप याद कर लेंगे क्योंकि वेटलिफ्टिंग में इन्होंने अवार्ड पाया हुआ है, तो मीराबाई चानू को आप थोड़ा याद रखेंगे। लेकिन अभी मैं बताऊं क्या करना है आपको, आपको देखना है बजरंग पुनिया को, क्योंकि अभी रिसेंटली खबर में है, तो ये रेसलर लोग खबर में है इस समय। ये आपके साक्षी मलिक हो गई, द्रविड़ दहिया हो गए, विनेश फोगाट, काफी ये लोग चर्चा में, इसलिए नाम याद कर लेना उनसे। ठीक है, एक चीज और, ये निखत जरीन, इनको मुक्केबाजी के लिए मिला है बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी ध्यान रखना। और शरत कमल अंजता को अभी पता चलाना आपको, शरत कमल अंजता को क्या मिला हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किससे हैं आपके, टेबल टेनिस से, तो इसके बारे में भी आप देख लेंगे। इसके बारे में लक्ष्य सेन बैडमिंटन गोल्ड मेडल, पीवी सिंधु बैडमिंटन गोल्ड मेडल, ठीक है, अचंता शरत कमल ये भी देख लो आप, इनको भी मिला हुआ आपको। ये तो क्या है आपके, ये डब मिक्स्ड में है, मिक्स्ड में मिक्स्ड युगल में, और इसमें क्या है आपके, अकेले इंडिपेंडेंट रूप से भी पाए हुए हैं गोल्ड मेडल, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में मैंने बता दिया है लगभग इंपॉर्टेंट है। सिल्वर मेडल के ये हैं, इनके बारे में भी आप देख लेंगे। ठीक है, सिल्वर मेडल की लिस्ट ये है, आगे चलें तो इनमें देखा जाएगा प्रियंका गोस्वामी आपके पैदल वॉक एथलेटिक्स के लिए, पुरुष टीम में लॉन वॉल्स के लिए आपका, ये जो आपके पूरे सिल्वर मेडल के लिए है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम क्या पाई है इस बार, ये पाई है आपका किसके लिए, ये आपका सिल्वर मेडल पाया हुआ है इस बार, तो भारतीय महिला इसको देखेंगे। और भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था इस बार भारतीय क्रिकेट टीम का, इसको भी नोट कर लेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था कॉमनवेल्थ गेम में, फाइनल में ये लोग हारी थी, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ब्रॉन्ज मेडल ये जिले की आई थी, ब्रॉन्ज मेडल इतने लोगों ने जीता है, तो इनके बारे में भी ध्यान देते हुए चलेंगे। ये आपका पूरा का पूरा एक लिस्ट है, इसके बारे में भी देख लेंगे। पूजा सिहाग इतने लोग हैं, महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज, पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता था, पुरुष हॉकी टीम ने जीता था क्या, पुरुष हॉकी टीम ने जीता था किसको, सिल्वर, लेकिन महिला हॉकी टीम ने क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, इसके बारे में ध्यान दे देंगे। चलिए डेविस कप की बात करें, तो डेविस कप अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, तो डेविस कप में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेविस कप का क्या है, 28 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। अगर डेविस कप की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, इसे बेसिकली जो टेनिस होता है ना, टेनिस का ये विश्व कप कहा जाता है, ये टेनिस का क्या कहा जाता है, टेनिस का ये विश्व कप कहा जाता है। कनाडा ने इसमें क्या है ना, कनाडा पहली बार इस डेविस कप को जीता है, इसने पहली बार इसको जीता है, और किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को, कितनी बार, 28 बार जो चैंपियनशिप था उसका, ऑस्ट्रेलिया ने जो 28 बार चैंपियन ले जीता हुआ उनको हराया था। इसमें थोड़ी सी सीरीज देख लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज्यादा बार 32 बार इस खिताब को जीता है, डेविस कप को। ठीक है, दो इस यहां आपने देख लिया, डेविस कप का विजेता इस बार कनाडा था, आपने इतना ध्यान रखा, 28 बार चैंपियन आपके ऑस्ट्रेलिया को हराया था। थॉमस कप की बात करूं तो थॉमस कप को विश्व पुरुष टीम का जो है ना आपका बैडमिंटन के लिए किसका कहा जाता है, थॉमस कप को बैडमिंटन के लिए। उबर कप आपका महिलाओं के लिए होता है, आपको पता ही इतना। ठीक है, इसमें आपने देखा थॉमस कप में आपका का हर दो साल पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा क्या है आपका BWF क्या होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए आयोजित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए उबेर कप शुरुआत की जाती है। 2022 में 14 बार के चैंपियन जो इंडोनेशिया के थे उनको किसने हराया, लक्ष्य सेन ने हराया। भारत ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लक्ष्य सेन और आपके ये आपके सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्या किया है, किदंबी श्रीकांत ने भारत के लिए एक एक मैच जीता है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन से नाम है आपके, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनका बेसिकली, श्रीकांत भी है आपके, इनका बेसिकली आप किदंबी श्रीकांत का भी पूछ देगा आपसे, क्या इनके बारे में पूछ देगा। चलिए, विजय हरारे कप, अभी जो आपका विजय हरारे कप हुआ है ना, विजय हरारे ट्रॉफी, तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका, इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम पे जाना जाता है। और विजय हरारे ट्रॉफी जो है ना, इस बार सौराष्ट्र ने जीता है 14 साल बाद, ध्यान रखेंगे 14 साल बाद सौराष्ट्र ने जीता है, किसको हराया है आपका, इसमें पश्चिम बंगाल को इसने हरा करके क्या जीता है, ये अवार्ड जीता हुआ है। अंडर 19 विश्व कप अभी हुआ है हाल ही में, ध्यान रखेंगे। अंडर 19 विश्व कप में अगर मैं बात करूं तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में जो सीनियर खिलाड़ी आपकी सीनियर में खेलती हैं, शेफाली वर्मा वो इसकी कैप्टन थी, इस बारे में ध्यान रखेंगे। श्वेता सहरावत आपकी कैप्टन है। प्लेयर ऑफ जो जीता है किसने, भारत ने जीता है किसको, इस आपके अंडर 19 विश्व कप के बारे में जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे आपके, टिटासु साधु, इनको मिला है, ध्यान रखना है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 297 रन कौन रही, श्वेता सहरावत, कौन है आपकी उप कैप्टन है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे।
पुरुष हॉकी विश्व कप अभी हुआ है हाल ही में, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अभी उड़ीसा में इसका, उड़ीसा के राउरकेला में इसको बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में इसका मैच हुआ। 13 से 19 जनवरी तक ये मैच चला था। ध्यान रखेंगे भारत चौथी बार विश्व कप की मेजबानी यहाँ किया था इसने, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में। तो इसके बारे में आपने देख लिया, संस्करण होगा, ये सारी चीजें। नीदरलैंड ने चिली को हराया है 14-0 से, एकदम बिल्कुल बहुत ही भयंकर जीत इसने हासिल की थी नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने बहुत ही भयंकर जीत हासिल की है, इसके बारे में भी देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूं मैं, 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन की मैं बात करूं तो यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में पहली बार आयोजित किया गया था, ठीक है। यहां पर अगर बताया जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर मैं बताऊं, यहां पे ये आपका जो इनके जो पुरस्कार विजेता थे, इनमें विजेताओं की सूची ये है लगभग। इनके बारे में बात करें, अगर पुरुष एकल की बात करें तो सर्बिया के कौन है आपके, एन जोकोविच, और अगर मैं बात करूं स्टेफिनास सिपास को, ये ग्रीस के हैं, रनर अप रहे हैं। महिला एकल में ए सवलेंका आपके बेलारूस के जीती हुई हैं, और ध्यान रखेंगे ई रायबिकना आपके कजाकिस्तान के हैं, जो कि जिन्होंने क्या हुआ है, जिनका हार हुआ है। तो ध्यान रखेंगे पुरुष युगल में जे कुबलर और आर हिजिकाता, ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के हैं दोनों लोग, ऑस्ट्रेलिया ने यह ट्रॉफी अपने नाम की है। एच नीस मोनाको के, मोनाको, और आपके क्या है जे, आपके जे जिलिंस्की पोलैंड के, इन्होंने मिक्स्ड में आपका क्या, मिक्स्ड पुरुष में इन्होंने जीता हुआ है अवार्ड, इन्होंने रनर अप पे रहे, सेकंड पोजीशन पे रहे हैं ये। महिला युगल में बी क्रेजी कोवा और आपके के सीनियाकोवा चेकिया के रहे हैं, ध्यान रखेंगे इन्होंने जीत हासिल की है। और थोड़ा सा यहां पे देखेंगे ये आपके एस ओयामा और ई सिबहारा क्या है, जापान के, ये महिला युगल में मिक्स्ड डबल जो होता है आपका पुरुष और महिला का जो होता है उनमें देखेंगे एल स्टेफनी और आर के आर माटोश, ये क्या है आपके कहां के, ब्राजील के, इन दोनों लोगों ने जीता है अवार्ड। लेकिन यहां पे देखेंगे कि रनर अप कौन रहा है, ये आपके बोपन्ना साहब अभी भारत के हैं और सानिया मिर्जा आपको पता है कि भारत के रहे हैं, इनको अवार्ड, ये सेकेंड पोजिशन पे रहे थे। रणजी ट्रॉफी अभी हुआ है, ध्यान रखेंगे ये भी आपका सौराष्ट्र ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2023 को, किसको हराया, बंगाल को 9 विकेट से हराया, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। वुमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं 2023 की, तो ध्यान रखेंगे अभी 2023 में वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था रिसेंटली, तो इसमें क्या हुआ था, ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो था वो विजयी हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में फाइनल मैच था, ऑस्ट्रेलिया विजेता बना। 6 बार ऑस्ट्रेलिया इस चीज को जीत चुका है, किसको, इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जो है उसने 6 बार जीता हुआ है, तो 6 बार इसके बारे में भी आपने देख लिया। भारतीय महिला टीम को क्या होना है, सेमीफाइनल से ही भारत बाहर होना पड़ा था भारतीय महिला टीम को, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे 26 फरवरी को केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेला गया था ये, इसके बारे में अभी आप जान देंगे। ये आपका बिल्कुल ये एक तरह से इसका अवार्ड का सीरीज है। प्लेयर ऑफ द मैच आपके कौन से, बेथ मूनी जो थी आपकी वो अवार्ड पाई हुई है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एस गार्डनर, बहुत ही अच्छी प्लेयर है, इनके बारे में ध्यान रखना। सर्वाधिक रन कौन बनाया, लॉरा वोल्वॉट ने बनाया दक्षिण अफ्रीका की 230 रन, ध्यान रखेंगे सोफी एल्वेस्टेन आपका, एक्लेस्टोन ने आपका 11 विकेट लिया था, सबसे ज्यादा विकेट, और मुनीबा अली आपकी पाकिस्तान की है जो सबसे ज्यादा उच्चतम स्कोर था 102 रन, और सबसे अच्छी बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट में आपके आयशा नसीम जो पाकिस्तान की हैं। बाकी ये सारी चीज़ आपके लिए इरिलेवेंट है, लेकिन देख लेंगे आप, एक एक बार देख लेंगे तो आपको उस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब मैं बात करूं वुमेन आईपीएल ट्रॉफी, अभी आईपीएल ट्रॉफी का वुमेन का आईपीएल ट्रॉफी अभी खत्म है, पुरुष का आईपीएल ट्रॉफी अभी चल रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब पुरुष का रिजल्ट आएगा, पहले महिला का देख लेते हैं। ये आपके आईपीएल ट्रॉफी है बेसिकली, इनमें जो मुकाबला हुआ ना फाइनल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स में हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस जो विजेता रही, ध्यान रखेंगे पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच राधा यादव, दिल्ली कैपिटल्स की ट्रॉफी, और आपका क्या हुआ, 1 लाख रुपए मिला आपको। प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में पता है आपका, मुंबई इंडियंस की प्लेयर ऑफ द मैच रही, ध्यान रखेंगे। पावरफुल स्ट्राइक ऑफ द सीजन सोफी डिवाइन, ये आपके आरसीबी की थी, और नेट सीवर आपके मुंबई की, राधा यादव आपके दिल्ली कैपिटल्स की। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यास्तिका भाटिया, कहां से थी यास्तिका भाटिया, किसमें, ये यास्तिका भाटिया को मिला प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को, आपको पता है। कैच ऑफ द सीजन, ये सारी सीरीज है, इनके बारे में आप देख लेंगे, बस इतना ध्यान रखें कि मुंबई इंडियंस भी जीता रही है। चले खेलो इंडिया युवा गेम, भारत के द्वारा हर साल एक खेल को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक आपका क्या होता है,
पांचवा संस्करण इस बार आयोजित किया गया जो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में, ध्यान रखेंगे 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पे क्या हुआ, ये आपका खेलो इंडिया, क्या है आपका युवा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया। इसमें 36 इसमें पूरे केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके, ध्यान रखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके क्या किया गया, इनको कंबाइन करके यहाँ के 5000 से अधिक एथलीटों ने इस गेम में भाग लिया था। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखेंगे 27 खेलों में, यहाँ 27 खेलों में इसका आयोजन किया गया, 27 तरह के गेम थे, 27 तरह के खेल थे, उनमें 1936 पदक जिसमें 573 स्वर्ण, 580 रजत और आपके 783 कांस्य पदक का हुआ था। चुनौती पेश की थी, यहां पे आप लोग पता ही होगा खेलो इंडिया गेम को अगर मैं बात में आगे करूं तो आगे चलेंगे। खेलो इंडिया गेम में ये अवार्ड का सीरीज रहा है, अगर आपने देखा तो महाराष्ट्र जो है आपका, महाराष्ट्र कौन से स्थान पे है, महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पे है, हरियाणा दूसरे पे, तीसरे पे मध्य प्रदेश, राजस्थान आपके चौथे पे और दिल्ली आपके पांचवें पे। ये सीरीज मैंने बता दी, पांच लोगों की आपकी सीरीज बता दी। उत्तर प्रदेश का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए मैं बता दूं कि 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य के साथ ये 36 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा था, 14वें स्थान पर रहा था, यानी 14th पोजिशन पर रहा था। पदकों में अंतिम स्थान जो था ना वो त्रिपुरा का था, जिसे केवल एक कांस्य पदक मिला था, जिसे केवल एक कांस्य पदक मिला था। तो अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल आपकी खेल पुरस्कार से इतनी सीरीज है। खेल पुरस्कार से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने वहां पे हाईलाइट करके आपको बता दिया है। इन सारी सीरीज को आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे सेशन को। चलिए तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।